भाई साहब, ये हुई ना कुछ बात। इसको बोलते हैं असली एनिमल, और इसमें संदीप रेड्डी वांगा के पुराने कामों की भी झलक साफ साफ नजर आ रही है। तो भाई फाइनली रणबीर कपूर के एनिमल का टीजर ड्रॉप हो चुका है, और मैं क्या ही बोलूं यार, आई जस्ट लव इट। टीजर के शुरुआत से लेके अंत तक मेरे लिए एक से एक वाव मोमेंट्स थे। संदीप रेड्डी वांगा के पुराने कामों की झलक साफ साफ दिखती है, जैसे कि अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि भाई ये तो फुल कॉपी पेस्ट वाला मामला हो गया, लेकिन जैसे ही टीजर अपने नेक्स्ट फ्रेम में शिफ्ट होता है, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर अपने पिता से पिट रहा है, दैट वॉज अ ब्रिलियंट शिफ्ट यार। क्योंकि बैकग्राउंड में जो म्यूजिक यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाया गया है ना, वो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, वो तुरंत मुझे इस सीन की याद दिला देता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले टीजर के कुछ आगे के रिच फैमिली टिपिकल शॉट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि कैसे उसकी फैमिली उसे ट्रीट करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जो कि एज ऑब्वियस ये बात है, बचपन में जैसा वो ट्रीट हुआ है अपने पिता से, वही वो बड़े होके बनना चाहता है, या शायद से कहीं ना कहीं वही बन गया है एक क्रिमिनल। फिर उसके बाद हमें एक बैड एस कॉरिडोर शॉट मिलता है, जिसमें ये बंदा पूरी की पूरी मशीन गन लेके आ गया है, विच इज लिटरली एन ऑसम। ये भाई थिएटर्स में देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और भाई मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की क्या ही बात करूं, दैट वाज लिटरली अ डोप, क्योंकि जो एक इंटेंसिटी मेंटेन की है ना, वो कुछ अलग ही लेवल पे है भाई। पूरा का पूरा टीजर 2 मिनट 26 सेकंड का था, लेकिन एक सेकंड के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक के मामले में कुछ भी कमी है। बट ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिस सीन ने मेरा दिल, जिगर, कलेजा, फेफड़ा सब कुछ जीत लिया, वो सीन सिर्फ कुछ सेकंड्स का था, लेकिन वो भयंकर लेवल का जो बिल्टअप था, दैट वॉज लिटरली समथिंग एल्स। और वो सीन है बॉबी देओल का ये लास्ट वाला। भाई मैं हिल गया था बॉबी को ऐसे देख के, मैंने जरा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा भी देखने मिलेगा। भाई बॉबी का ये सीन मुश्किल से 5 सेकंड का है, लेकिन रणवीर के पूरे 2 मिनट 22 सेकंड के टीजर पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि भाई सच में इस सीन ने ना मेरा दिल जीत लिया है। इसीलिए रेड्डी साहब को मेरी तरफ से एक स्पेशल चुम्मी यार। लिटरली पूरे टीजर में कई सारे शॉट्स थे जो गजब के थे, लेकिन इस सिंगल शॉट ने मेरा दिल जीत लिया। और मैं अभी ही बता दूं कि ये दोनों ही सीन्स मेरे फेवरेट हो चुके हैं, क्योंकि ये दोनों ही सीन्स में एक कैरेक्टर इंटेंसिटी ना साफ साफ फील हो रही थी, स्पेशली बॉबी देओल का ये वाला सीन। भाई ऐसा लग रहा है कि बंदा अभी कईयों का जेनोसाइड करके आया है, कईयों को टक्का के आया है, और अभी भी रेडी है कईयों को हलाल करने के लिए। दैट वॉज लिटरली द बेस्ट शॉट ऑफ एंटायर टीजर। और अगर बात करें कुछ दूसरे अदर शॉट्स की, तो वो भी कुछ कम नहीं है भाई। जैसे कि मुझे इन दोनों ही शॉट्स के बाद जो सबसे बेस्ट शॉट लगा, वो ये था कि कबीर दास का जो दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला वाली लाइन, ये पंजाबी में रणवीर ने बोली है। दैट वॉज लिटरली फील्स लाइक अ बीस्ट वार्निंग टू देयर एनिमीज। और इसके पीछे जो लायन रॉर का म्यूजिक डाला है ना, जिसकी वजह से इस स्पेसिफिक सीन की इंटेंसिटी 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो भाई पर्सनली मैं एक्साइटेड तो हूँ टीजर को देखने के बाद, लेकिन जब तक ट्रेलर नहीं आता तब तक कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में कहानी क्या है और सीरियसली चीज़ों को कैसे दिखाया गया है। क्योंकि ट्रेलर और टीजर से आजकल मूवी कैसी है पता नहीं चलता, क्योंकि कट्स बहुत अच्छे से लगाती है पब्लिक। लेकिन फिर भी फिलहाल टीजर को देख के मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है, तो पर्सनली मैं मूवी के लिए तो एक्साइटेड हूँ कि कब 1 दिसंबर आए और मैं थिएटर्स में जाके एनिमल की ब्रूटैलिटी देखूँ। तब तक के लिए तुम अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें टीजर कैसा लगा और तुम्हारे क्या रिएक्शन थे इस टीजर को लेके। और इसी के साथ साथ मैंने टाइगर 3 की टीजर के ऊपर भी अपना रिव्यू दिया है, अगर मनो तो उसे भी चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।